हार्ट बज गए। शिखा, शिखा उठो। क्या हुआ समीर? 5 मिनट सोने दो प्लीज। शिखा 8 बज गए हैं, हमें तुम्हारे घर भी जाना है, लेट हो जाएंगे। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शिखा मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम प्लीज जल्दी से नाश्ता रेडी करवा दो। मौसी जी। बहू ये चाय आप मम्मी पापा के लेके जा रही हैं? जी हाँ। लाइए पूछे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। कौन सा कमरा है उनका? जी ये मम्मी का कमरा है और ये पापा का। मौसी मम्मी पापा अलग अलग कमरों में रहते हैं? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से तो यही देख रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। बेटा तुम जो भी सोच रही हो ना उसकी वजह से बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन पापा। अरे बेटा है तो हम हस्बैंड वाइफ ही ना। अब देखो उम्र जो भी हो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो लगी रहती है। पापा। शिखा। अरे अरे ये तुम मुझे दो, ये मुझे नहीं। पापा जी मैं। कोई बात नहीं बेटा मुझे दो, आज मम्मी जी को चाय मैं दे दो। नहीं नहीं पापा जी मैं। कोई बात नहीं, तुम देखो वो क्यों बुला। जाओ जाओ बेटा। आई माँ ही। बेटा तू तो सुबह से किचन में है, आज तेरा खाना बनेगा भी या नहीं? अरे समीर और शिखा आते ही होंगे। मामा कुछ स्पेशल बनाने में टाइम तो लगेगा ना। आप टेंशन क्यों लेती हैं? 5 मिनट और खाना तैयार हो जाएगा। अच्छा शिखा ही आई होगी। हाय दी। मिनी कैसा है? बहुत बढ़िया। हाय। हेलो। आओ ना। शैतान कैसा है बीब? आई मिस यू बीबी। शिखा। अरे शिखा। नमस्ते अंकल। कैसे हो समीर? अरे खुश रहो। शिखा बेटा मम्मी। ये माही का है। माही ये क्या पहना हुआ है? दादा ये है आपका सरप्राइज। आज का लंच मैंने खुद बनाया है। रेरी तूने? हाँ दीदी। और समीर बेटा क्या बात है, मम्मी पापा नहीं आए? एक्चुअली अंकल वो काफी बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। चलो बच्चों आओ। हाँ हाँ तुम दोनों के लिए है, ले लीजिए। ये लो, ये तुम्हारा और ये मेरा। ये तुम दोनों की इस महीने की और अगले 2 महीने के एडवांस पगार। कल से काम पर मत आना। ये क्या कह रही दीदी, हमसे कुछ काम में कमी रह गई क्या? नहीं बेटा काम तो तुमने बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लो। साहब इन्होंने तुमसे कहा ना कि जाओ जाओ जाओ।
हाँ मैंने कह दिया उसे, उसका काम आज ही हो जाएगा। ओके बाय। ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? उस रात जो ट्रक बीच में आया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। शिखा गुप्ता का पीछा कर रहा था तू ही है ना? वो खाना तो तुमने वाकई बहुत अच्छा बनाया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। अच्छा अंकल, हम चलते हैं, वहां पहुंचने में टाइम काफी लगेगा। समीर एक मिनट, माही मम्मी कहाँ है? खुश रहो। ये ले और इस गणपति की मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रखना।
शिखा, बेटे नए शहर जा रही हो, नए लोगों के बीच जा रही हो, बस अपना ख्याल रखना। वैसे ये तो गलत बात है, शहर छोड़कर तो मैं भी जा रहा हूँ, आप मुझे भूल गए ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ अंकल, लेकिन सच में बताऊँ तो इस शहर से मैं भी बहुत जुड़ा हूँ। इतना टाइम मैंने मॉम डैड के साथ यहीं बिताया, अपने करियर की शुरुआत यहीं की, एक ऑफिस खड़ा किया, अब अचानक से सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन प्लीज़ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी किसी भी नई जगह पे या नए लोगों के बीच में ना ऐसे एडजस्ट हो जाता हूँ। अंकल शिखा, सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी लाइफ पार्टनर भी है, तो मैं इसे कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ? आप प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं शिखा को बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा कि वो दूसरे शहर से आएगी। बाय। शिखा, बेटे एक बार पहुंचने के बाद फोन जरूर करना। क्या सोच रही हो? भाई, जो आपने कहा था कि जिस चीज से आप जुड़े होते हैं उसको छोड़ के जाना कितना मुश्किल होता है, मेरी तो जॉब थी समीर, फिर भी अपने बॉस को अपने मैगजीन के ऑफिस से दूर जाना ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप, आपने तो अपना ऑफिस खुद बनाया था, आपके लिए उसको छोड़ के जाना कितना मुश्किल होगा। समीर, मुंबई जाने से पहले हम एक बार आपको ऑफिस देखा है? आपका ऑफिस है कहाँ? आपने कभी मुझे नहीं दिखाया। चलिए ना, एक बार मैं भी देख लूंगी, लास्ट टाइम आप भी देख लेना। किशमिश, मेरा ऑफिस बंद हो चुका है ना, आप मुंबई वाला ऑफिस देख लेना। ऑफिस ही तो बंद हुआ है, जगह तो वही होगी ना, और उससे जुड़े आपके इमोशंस भी। चलिए ना, प्लीज दिखा लाइए। हम बहुत लेट हो चुके हैं और मुंबई पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा। 5 मिनट, हम सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे, उसके बाद कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा मुंबई, आई प्रॉमिस। प्लीज समीर, चलिए ना, प्लीज। थैंक यू। हेलो सर, कहाँ जा रहे हो आप? अपने ऑफिस। ऑफिस? कौन सा ऑफिस है आपका? तुम नए आए हो क्या? जी, कल ही आया हूँ, इसीलिए। सॉरी सर। समीर, ये था मेरा ऑफिस। अच्छा, अच्छा।
समीर, ये ऑफिस तो काफी बड़ा है। अब 40-50 लोगों के लिए इतना बड़ा स्पेस तो चाहिए ना। और ये कैबिन समीर, ये किसका कैबिन था? ये मेरा कैबिन था। बॉस का कैबिन, नॉट बैड। आइए सर, एक बहुत बढ़िया ऑफिस दिखाता हूं। एक और इतना अच्छा ऑफिस है सर, आपको जरूर पसंद आएगा। और ये जो ऑफिस है ना सर, ये आज ही खाली हुआ है सर। शिखा, तुम्हारे 5 मिनट तो हो गए। देखिए ना ऑफिस, चले। शिखा प्लीज 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 प्लीज, समीर जल्दी में। वैसे मैं यहां का पिछले किराया था। थैंक यू। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते अविनाश जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। What a pleasant surprise. आप लोग आइए, प्लीज 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 कम इन, प्लीज आइए। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। हम लोगों ने सोचा कि समीर और शिखा चले गए हैं तो आप लोगों को अकेलापन महसूस हो रहा होगा, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग आपके यहाँ पे आ जाएं। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। बिल्कुल। ये सब पैकिंग वगैरह कुछ नहीं गुप्ता जी, बस हम लोग बस कुछ दिन के लिए रायपुर जा रहे थे। रायपुर? जी। देखिए वो ऐसा है कि अब बच्चे तो मुंबई चले गए, तो हम लोग यहाँ बस अकेले, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ दिन के लिए रायपुर चले जाएं। अब लेकिन ऐसे एकदम अचानक? आप नहीं सुधा जी, एक्चुअली ये प्लान पहले से ही था, बस किसी को बताया नहीं। जी वैसे हम लोग तो आप लोगों के घर ही आने वाले थे। हम बिल्कुल बस यही बात कर रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए। अब एक काम करते हैं, साथ में चलकर बाहर डिनर करते हैं। अरे ये आइडिया आपका अच्छा है। आप ऐसा करिए, ये बैग ना जरा गाड़ी में रखवाइए। अविनाश जी बस 2 मिनट। जी जी जी, अभी आते हैं। समीर, यहाँ का ब्रोकर आपको कैसे नहीं पहचानता था? क्योंकि मैं ब्रोकर से नहीं, ओनर से डील करता था।